नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग DFSSL की तरफ से जॉब की वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें जितने भी पोस्ट आपके हैं तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या है और कहाँ से आपको स्टडी करनी चाहिए कि जिससे कि आपको जो है इस एग्जाम में आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सके, तो ये सारा चीज़ है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके जितने भी डाउट्स होंगे इनसे रिलेटेड तो वो जो है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं DFSSL का, और इसके साथ में जितने भी आपके एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं जैसे कि आपके HBCL, HAL, DSSSB का, तो इन सभी में जो आपका इंग्लिश और GK का खासकर जो आपके आएंगे, जो क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसके लिए हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ में PDF भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा इन्हीं के साथ में। और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करेंगे पूरे कंप्लीट इंग्लिश और GK का, टॉपिक वाइज और ओवरऑल लेक्चर वाइज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही आपको हम प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा सर जी क्लासेस का जो है, तो ये जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ जाके आप लोग जो है ले सकते हैं इसको, जो कि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग यहाँ पे एक जो आपके एक ऑर्डर में जो रहता है आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। और इसमें देखिए, जब आप लोग ऐप पे जाइएगा तो आपको कुछ वहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आप लोग देखिए, जब रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा ऐप को, तो उसके बाद फिर आपको होम पेज पे आएगा, उसके बाद फिर आपको स्टोर पेज पे जाना है। स्टोर पेज पे जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा कोर्स, और इसके बाद परचेज करने के बाद कॉन्टेंट में जाइएगा तो आपको जो है यहाँ पे सारे आपको फोल्डर मिल जाएंगे लेक्चर्स के, PDF के और बाकी जो टेस्ट सीरीज है आपका। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आपको मिलते जाएंगे डेली बेसिस पे, यहाँ पे आपका जो है सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ये वैकेंसी निकाला गया है DFSSL का, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म को फिल कर देना है, जिसका ये डेट आपका ऑलरेडी है स्टार्ट आपका हो चुका है 24/4/2021 से, लास्ट डेट इसका 23/5/2021 है। तो डेट आप लोग याद रखना, पहले ही आप लोग फिल कर देना फॉर्म को। और टेंटेटिव डेट भी देखिए इन्होंने दे दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जो कि आपका है जून 2021। तो आप लोग इस डेट को मान के चलिए और अपने प्रिपरेशन जो है ये लेके चलिए कि आपको जो है किस तरीके से तैयारी करना होगा। तो आपके पास टाइम भी बहुत ही कम है, अगर ये आगे बढ़ता है तो वो अलग बात है, बट आप लोग यही डेट मान के चलिए और आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है कि आपको जल्दी से कवर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इन्होंने आपका नोटिफिकेशन में आपका दिया हुआ है एग्जाम पैटर्न का, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका है, तो जितने भी पोस्ट आपके हैं इसमें, जैसे कि आपका जूनियर मैनेजर सिविल का आपका हो गया, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BND का आपका है, और इसके अलावा जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का आपका है इसमें, या फिर आपका एग्जीक्यूटिव सिविल का, ये सिग्नल इलेक्ट्रिकल का, इसका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का, और इसके साथ में आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD मैकेनिकल एग्जीक्यूटिव का आपका हो गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल, और इसके अलावा सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का, ऑपरेशन BND और आपका मैकेनिकल का। तो इन सभी में जो है आपका जो कॉमन बेस्ड टेस्ट है आपका CBT, जो ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे, तो ये सभी के लिए कॉमन आपका, मतलब ये तो आपका आएगा ही कॉमन नहीं है, जो डिफरेंट फॉर्मेट है उसका अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन CBT सभी का होगा। तो ये तो आपका पहला डाउट आपका क्लियर ये हो जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए दूसरा इसमें सेक्शन आपका है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये देखिए साइको टेस्ट एक्चुअली में ये होता है आपका यहाँ पे, तो ये किसके लिए होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टिक मार्क करके दिया हुआ है, जो आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD जो आपका है, तो इनके लिए ही सिर्फ यहाँ पे आपका कराया जाएगा, बाकी किसी के लिए भी ये नहीं है। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, तो जो लोग भी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD जो इसमें आप अप्लाई करेंगे, तो सिर्फ उन्हीं को देना है साइको का टेस्ट। तो इससे मिल लिया आपका ग्रेजुएशन मांगा गया, तो ये कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये तो आपका हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑब्वियसली सभी का होगा। और इसके बाद देखिए इंटरव्यू की बात करते हैं, तो इंटरव्यू देखिए इसमें जो जूनियर मैनेजर का पोस्ट आपका है 1, 2, 3, जो कि आपका सिविल ऑपरेशन एंड BD मैकेनिकल, तो सिर्फ उन्हीं का इंटरव्यू है, बाकी और किसी का भी नहीं है। तो ये तो फैक्ट आपका क्लियर यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए। और इसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका होगा, तो मेडिकल टेस्ट ऑब्वियसली बात है सभी का आपका होगा, और मेडिकल टेस्ट में जैसे उसमें आपका स्टैंडर्ड है कि A3 होना चाहिए, इसके अलावा आपका A2 होना चाहिए और B1 होना चाहिए। तो ये क्या क्या होते हैं A2 और A3 और या फिर B1, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का। तो जो आपका एग्जामिनेशन होंगे, तो ये आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके एग्जामिनेशन होंगे, जो कि आपका ऑनलाइन मोड पे होगा।
तो इसमें देखिए जो एग्जामिनेशन आपका होगा 2 to 3 सेशंस में आपका होगा, जो कि ये सिंगल या फिर मल्टीपल डेज में आपका हो सकता है, जो कि 2 आवर्स ड्यूरेशन का आपका ये रहेगा। और क्वेश्चन जो आपके रहेंगे इसमें कंप्यूटर वे टेस्ट का, जो कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप के चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिसमें कि 120 क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें, जो कि सिलेबस में आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा जो कि दिया हुआ है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन पेपर है आपका तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके रहेंगे, और इसके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपका है, जो कि 1.025 मार्क्स आपका, यानी कि 1/4 मार्क्स जो आपका ये काटा जाएगा। तो ये तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना ही है। और इसके साथ में क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपका है, जो कि सीबीटी में आपका जो दिया हुआ है कि इतना होना ही चाहिए, 40% यूआर कैंडिडेट के लिए है आपका इसमें, और 30% है एससी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर और साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए, और 25% है एसटी कैंडिडेट के लिए है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके साथ में देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, कि अगर ये रिक्वायरमेंट अगर होगा 2 स्टेजेस का, तो ये भी किया जा सकता है। तो ये डीएफसीसीएल की तरफ से ये आपका पूरा उनको अधिकार रहेगा करने का। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका, जैसे कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें जो मेनली दूसरा आपका था जिसमें कि एप्टीट्यूड टेस्ट वाला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए एक टी स्कोर आपका दिया था, जिसमें कि मिनिमम टी स्कोर 42 मार्क्स का आपका होना ही चाहिए हर एक बैटरी में। इसमें देखिए हर एक जो टेस्ट बैटरी आपका रहता है, एक्चुअली इसमें आपके में भी 4 या 5 सेक्शन रहते हैं, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सेक्शंस रहते हैं। जैसे किसी में आपका पिक्चर रहता है उसको नंबर या याद रखना रहता है, किसी में ब्रिक आपका रहेगा तो उसको याद रखना रहता है कितने ब्रिक है, या फिर इस तरीके जो भी रहेंगे तो हम आपका बाद में ये करा देंगे। तो सभी में आपको टी स्कोर 42 आपको लाना ही होगा। तो ये तो बाद की बात है, मतलब जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, और इसमें जो है आपका 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी भी है, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीएनडी है, तो 8 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसमें। तो साइको ये आपको बाद में अभी करना है, अभी आपको इस पर फोकस नहीं करना है, जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम इसका क्लास आपको करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए मेनली हम बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन पैटर्न का। अब मेनली जो आपका दिया हुआ है कि सिलेबस अकॉर्डिंग में, वो हम लोग देखते हैं जो सिलेबस मेंशन किया गया आपका ऑफिशियली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जूनियर मैनेजर सिविल वालों का। तो इनमें देखिए जो आपका 2 पार्ट में आएगा, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन तो रहेंगे ही 2 आवर्स का, लेकिन इसमें पार्ट 1 जो है जो कि 24 क्वेश्चन आपका रहेगा, तो ये नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा, जनरल नॉलेज का, और इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपके रहेंगे, यानी कि इसमें मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके रहेंगे, और जीके तो आपको रहेगा ही रहेगा। जीके में आपका इसमें करंट अफेयर, इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक जीके, तो ये सारे सेक्शन आपके आते हैं। तो इसके लिए तो आप लोग मेरा नोट्स को पढ़ सकते हैं, आपका वही उसी से हो जाएंगे, उसमें हमको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद देखिए जो पार्ट 2 आपका है, जिसमें कि 96 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ये आपके इंजीनियरिंग सेक्शन से आपके मतलब जो भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं, तो उसी में से आपको पूछा जाएगा। और साथ में यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया है कि आपको क्या क्या आएंगे, जैसे इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स है, तो आप लोग अपना ब्रांच के अकॉर्डिंग देख लेना, पूरा दिया हुआ है। और उसके बाद जूनियर मैनेजर का जितने भी है, ऑपरेशन एंड बीडी का आपका है, तो ये मेन है, आप लोग इसको देखना, जिसमें कि आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्या क्या। देखिए इसमें जो आपका दिया हुआ है पार्ट 1 24 क्वेश्चन, पार्ट 2 96 क्वेश्चन, तो इसमें पार्ट 1 जो है ये कॉमन है सभी के लिए, जीके और जनरल एप्टीट्यूड होगा, और पार्ट 2 जो आपका रहेगा तो इसमें देखिए जो आपका दिया था ऑपरेशन बीएनडी, तो ये इसमें मैनेजमेंट फंक्शंस और बिहेवियर, मतलब जो इसमें एमबीए जो किए हुए तो उनके रिलेटेड रहेंगे। और बाकी जो मैकेनिकल का है, तो इसमें भी देखिए वही सेम सिनेरियो है कि पार्ट 1 आपका नॉन टेक्निकल जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, और पार्ट 2 आपका टेक्निकल सेक्शन से रहेगा, जो कि आपका ये सारे सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना। और फिर इसके बाद देखिए दूसरा पोस्ट आपका इसमें एग्जीक्यूटिव वाले का है, जिसमें कि सिविल का आपका हो गया, इलेक्ट्रिकल का आपका हो गया, सिग्नल टेली कम्युनिकेशन का हो गया, और एक आपका मैकेनिकल का है इसमें। तो इनके लिए देखिए यहाँ पे आप लोग फोकस करना, पार्ट 1 आपका रहेगा 24 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे जनरल नॉलेज जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, और पार्ट 2 96 क्वेश्चन आपका रहेगा टेक्निकल से। तो ये देखिए ये सारे जो टेक्निकल एग्जाम जितने भी मतलब पोस्ट हैं आपके, तो उन सभी में ये कॉमन है आपका जनरल नॉलेज पार्ट 1 और एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये तो रहेगा ही रहेगा आपका यहाँ पे, वो चाहे कोई भी हो, सिग्नल टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, या फिर जो सिविल वालों का है, तो उनके लिए सेम है, 24 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल और 96 क्वेश्चन आपका रहेगा टेक्निकल का, जिसमें कि सिलेबस सभी का दिया हुआ। और एक चीज़ आपको फोकस यहाँ पे देखिए ये करना है जी वाले पे, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का है, जिसमें कि 120 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें। और इसमें देखिए जो पार्ट है इसका, इसमें जैसे कि आपका इसमें वो था आपका एक्चुअली इसमें जो ग्रेजुएशन मांगी गई थी, और इसमें आपका होगा साइको टेस्ट बाद में, लेकिन जो देखिए सीबीटी टेस्ट में जो आपके आएंगे तो उसमें आपका क्या आएगा, तो इसमें देखिए दिया हुआ है, पहला तो आपका है जनरल नॉलेज का है, लॉजिकल रीजनिंग का है आपका,
न्यूमेरिकल एबिलिटी का है, और इसके साथ में आपका आएगा यहाँ पे जनरल साइंस का, और इसके साथ में हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का भी आपका आएगा इसमें, और साथ में डी एफ सी सी आई एल का, जो भी हिस्ट्री है इंडियन रेलवे का और डी एफ सी सी आई एल का ये पढ़ना है, और इसके साथ में इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है आपको, और कस्टमर रिलेशन के बारे में आपको पढ़नी है। तो ये सारा चीज़ लेक्चर हम आपको इसके ऊपर में प्रोवाइड करेंगे, और इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी और लेक्चर्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे अलग से। तो ये कोर्स में ही हम आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। तो ये मेनली है आपका जो कि नॉन टेक्निकल है एक्चुअली में, इसमें कोई टेक्निकल आपका नहीं पूछा जाए, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन का। फिर इसके बाद देखिए दूसरा जो तीसरा पोस्ट आपका इसमें था, दैट इज जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जिसमें कि आईटीआई मांगी गई थी। तो इसमें देखिए चाहे आपका इलेक्ट्रिकल का हो, इसके अलावा आपका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का हो, या फिर आपका देखिए एक ये दोनों का एक्चुअली में है, जिसमें कि एक टेक्निकल वाले हैं। तो इसमें देखिए पार्ट वन जो आपका है, तो इसमें 60 क्वेश्चन जो आपका रहेगा, तो ये नॉन टेक्निकल रहेगा आपका, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस, और बाकी जो 60 क्वेश्चन आपका पार्ट टू है, तो ये रहेंगे आपके ब्रांच से रिलेटेड। तो इसमें दिया हुआ है सभी का, मतलब सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके जो कि अब पूछे जाएंगे एग्जाम में। और वहीं पे सिग्नल टेलीकॉम, वही सेम सिनेरियो आपका है कि 60 क्वेश्चन आपका रहेगा नॉन टेक्निकल पार्ट आपका इसमें, और 60 क्वेश्चन टेक्निकल में। तो सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, जो कि ऑपरेशन बी एन डी का है, पोस्ट कोड आपका 33 का है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो सिलेबस आपका है एक्चुअली में, तो ये आपका उसी के अकॉर्डिंग है जो आपने पहले देखा था एग्जीक्यूटिव बी एन डी का। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें डिवीजन इन्होंने कर दिया है। अब जैसे आप ये देख सकते हैं 60 क्वेश्चन जो आपका रहेगा यहाँ पर, तो ये रहेगा जनरल नॉलेज से, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से, और जनरल साइंस से। और बाकी जो पार्ट टू 60 क्वेश्चन आपका रहेगा, तो ये रहेगा आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से, और डी एफ सी सी एल का इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग और कस्टमर रिलेशन से। तो ये देखिए टॉपिक जो है आपका, तो ये आपको पढ़ना होगा इसके लिए। तो इस पे जो है आपको हम प्रोवाइड करेंगे इसका लेक्चर्स भी, और साथ में पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ में, और ये कोर्स में भी आपको वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद देखिए जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का, तो इनके लिए भी जो नॉन टेक्निकल पार्ट है तो वो कॉमन ही है, 60 क्वेश्चन, और पार्ट टू आपका टेक्निकल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी पोस्ट आपके निकाले गए हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिसमें कि जनरल नॉलेज है आपका, तो ये सभी के लिए ही कॉमन है आपका, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये तो सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके साथ में जिसमें भी ऑपरेशन एंड बी डी का है, तो उसमें आपको रेलवे का हिस्ट्री पढ़ना, डी एफ सी सी आई एल का, और इकोनॉमिक्स मार्केटिंग का, तो ये सारा चीज़ आपको स्टडी करने होंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जीके के लिए तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग एक बुक फॉलो कर सकते हैं, जीके का एक मनोहर पांडे की बुक आती है, तो इसके लिए आप लोग बेस्ट बुक है एक्चुअली में। लेकिन इसमें भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो कुछ पोर्शन है आप इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आपका ये भी नहीं है इसमें, बट कुछ पोर्शन आपका ये कवर करा देगा यहाँ पर। बाकी और सारे जितने भी बुक्स हैं मार्केट में आपके, तो उन सब में सबसे बेस्ट आपका यही बुक है। अगर आप लोग इसको सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपका जो है ये कवर हो जाएगा। और इसके साथ में करेंट अफेयर भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना होगा, जिसमें कि आप लोग कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं आप लोग, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग हमारा करेंट अफेयर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, और साथ में इसके अलावा आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे हर मंथ का, तो आप लोग उसको भी पढ़ के जा सकते हैं। सारे चीज़ हम इसमें कवर आपका करा देंगे, करेंट अफेयर का भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे ही साथ में। और इसके अलावा जीके जीएस जनरल साइंस जितने भी हैं, तो इसके लिए भी नोट्स हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये सारा चीज़ आप लोग ले सकते हैं इसको। और जनरल अवेयरनेस के लिए देखिए इसमें हमने पूरा कंप्लीट टॉपिक्स ऐड किया हुआ है आपका, जिसमें कि आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का। तो आपको एक ही पीडीएफ में आपको ये सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। जीके का आप लोग अगर इतना भी कर लेते हैं ना, अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो आपका देखिए अच्छे से तैयारी हो जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि सब इसी में से आ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। आप लोग कंटेंट देखना आपको खुद समझ में आ जाएगा, और बाकी और भी जो चीज़ होंगे तो हम आपको रेगुलर क्लासेस का प्रोवाइड आपको करते ही रहेंगे, जिससे कि आपका तैयारी जो है अच्छे से हो जाएगा। और इसके साथ में कोर्स भी जो हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से हम जीके पोर्शन आपका कवर करा देंगे। बाकी इंग्लिश आपके जो अदर एग्जाम में आपके आएंगे, तो वो तो हम कवर तो कराएंगे ही, साथ में जीके का आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी हम करवा देंगे। और जो लोग इसमें रेलवे का या डीप सेल का जो हिस्ट्री जो रहेगा आपका, तो वो भी हम आपका इसी कोर्स में ही कवर करा देंगे। तो अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आप लोग ऐप डाउनलोड करना होगा,
और ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको जो है ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो आने वाले दिन में आपको जीके अच्छे से प्रोवाइड करेंगे हम इसमें आपको, और साथ में पीडीएफ भी पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका है उसमें डीएफसीसीएल का, इंडियन रेलवे का, हिस्ट्री का आपका हो गया। तो आई होप कि जितने भी डाउट्स आपके होंगे सिलेबस से रिलेटेड, या फिर जो है आपका कि कहाँ से स्टडी किया जाना चाहिए या कहाँ नहीं करना चाहिए, तो ये सारा चीज़ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट रहता है आपका तो आप लोग कमेंट करना, हम इसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पोर्शन जो है इसमें, तो वो उसके लिए जो है आप लोग बस वही फॉलो कीजिए जो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे अभी से। अब मान लीजिए जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं इसमें, तो वो चीज़ आप लोग कीजिए। बुक फॉलो कर सकते हैं फास्ट ट्रैक मैथ का, इसका अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, और साथ में प्रीवियस जो आपके पीएसयू के पेपर आते हैं तो वो आप लोग सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल के लिए जो आपका रहता है, मतलब जो आपके वर्बल एबिलिटी या फिर रीजनिंग के लिए जो आपके रहते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग वही सेम फॉलो कर सकते हैं जो आप लोग करते आ रहे होंगे अभी तक। और इसके साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल किसी का भी आप लोग कीजिए, सब आपके वही रहते हैं एक्चुअली, वे कॉमन ही रहते हैं रीजनिंग का। तो इसमें कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग जो करते आ रहे होंगे वैसे करते हैं, और टेस्ट आप लोग देते रहिए, जिससे कि आपका और अच्छे से हो जाएगा। और हम आपको जीके का पूरा कंप्लीट क्लास तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, और आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, हम इसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और इसके साथ में कोई भी डाउट आपका रहता है कोर्स से रिलेटेड, या फिर आपका कोई भी पर्सनल डाउट रहता है उसके लिए भी आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।